हेलो एवरीवन, मैं हूँ ज्योति नागदेव। मैं अपने चैनल ग्रीन डब्बा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और वो है गूंदे और केरी का अचार। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं गूंदे और केरी का अचार बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। गूंदे और केरी का अचार बनाने के लिए ये आधा किलो मैंने गूंदे ले लिए हैं, जिसे लवेरे या लसुड़े भी कहा जाता है। आधा किलो मैंने कच्ची केरी ले ली है। 3 टेबल स्पून नमक लिया है, बाय वेट देखेंगे तो 60 ग्राम से। 50 ग्राम से मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, कप से देखेंगे तो आधा कप है ये। 3 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, बाय वेट देखेंगे तो 20 ग्राम से ये। 1 टेबल स्पून मैंने मेथी दाना ले लिया है, जिसे दरदरा फूट लिया है। 2 टेबल स्पून सौंफ, 100 ग्राम मैंने राई की दाल ले ली है जो मार्केट में ऐसी तैयार आती है। हींग और 400 ग्राम मैंने मूंगफली का तेल लिया है। इसकी जगह आप सरसों का तेल या तिल्ली का तेल भी ले सकते हैं। अचार बनाने के लिए सबसे पहले अब हम तेल को गर्म करने रखेंगे। ये अच्छा गर्म कर लेंगे, फिर इसे हम थोड़ा ठंडा करेंगे, फिर हम मसाला तैयार करेंगे। अब हम केरी के छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। देखिए एकदम सफेद केरी है, खट्टी वाली केरी है, इसके हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। ये ऑयल गर्म हो गया है, अब हम फ्लेम को ऑफ कर रहे हैं और ऑयल को ठंडा होने देंगे। ये केरी के हमने पीसेस कर लिए हैं, देखिए कितनी बढ़िया केरी है, एकदम सफेद और खट्टी केरी। अब हम ये गूंदे साफ कर लेंगे, इनमें से हमें डंडियों को अलग कर लेंगे। डंडियों को अलग करने के बाद ये इसके ऊपर की जो टोपी है, ये कैप है, इसे भी हम हटा लेंगे। ये बहुत आसानी से हट जाती है। इस तरीके से हम ये सारे गूंदे साफ कर लेंगे। हमने सारे लसूड़े इसे साफ कर लिए हैं। अब इन्हें हम जहाँ इनका मुंह है यहाँ से थोड़ा सा हम इसे ऐसे फोड़ लेंगे, तोड़ लेंगे इस तरीके से। और एक स्पून लेंगे, थोड़ा सा नमक मैंने अलग ले लिया है कटोरी में, इसमें ये नमक में डिप कर हम इसके सीड को ऐसे निकाल लेंगे। इस तरीके से हम जहाँ इसका मुंह है थोड़ा सा फोड़ लेंगे, आसानी से फूट जाते हैं ये। नमक में डिप करेंगे और इसके बीज को हम निकाल लेंगे। इस तरीके से ये सारे गूंदे हम फोड़ कर तैयार कर लेंगे। ये हमने सारे गूंदों में से गुठलियाँ अलग कर ली हैं। अब हम मसाले की तैयारी करते हैं। मसाला तैयार करने के लिए ये 1 टीस्पून मैंने हींग ले ली है। अगर आपकी ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप 1/2 टीस्पून ले सकते हैं। इसके आसपास हम ये मेथी दाना डालेंगे, इसे मैंने दरदरा फूट लिया है। अगर आप ग्राइंडर में पीस रहे हैं तो ध्यान रखिए इसका पाउडर नहीं बनना चाहिए, नहीं तो अचार कड़वा हो जाता है। सौंफ, राई दाल, अब हम हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च की क्वांटिटी भी आप आपके हिसाब से कर सकते हैं कम ज्यादा, नमक, अभी ऑयल जो हमने गरम कर रखा था ये थोड़ा ठंडा हो गया है, कुनकुना हो गया है, हम ज्यादा गरम ऑयल इसमें नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे और अचार का कलर भी बिगड़ जाएगा। थोड़ा थोड़ा तेल डालते जाएंगे और मिक्स करेंगे। अभी करीब हम 1/2 कप तेल डालेंगे, ज़्यादा तेल अभी हम नहीं डालेंगे इसमें। बाहर की तरफ से अंदर की तरफ करते हुए मसाले हम मिक्स करते जाएंगे। आप चाहें तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं, उससे अचार का कलर और ज़्यादा सुंदर आएगा। मैंने आज नॉर्मल मिर्च डाली है जो हमारे घर में रहती है। अभी हमें बस इतना ही तेल डालना है जिसमें हमारा ये मसाला अच्छे से थोड़ा मिक्स हो जाए और थोड़ा सा सिक जाए। अभी बाकी का तेल अभी हम रख देंगे एक तरफ ढककर, इसे हम 2 दिन बाद अचार में डालेंगे। अब हम हाथ से इसे मसाला दबा दबा कर गूंदों में भर देंगे और दबा कर इसका मुंह बंद कर देंगे। और इस तरीके से हम सारे गूंदों में मसाला भरकर तैयार करेंगे। मसाला अच्छा दबा दबा कर भरिए, मुंह बंद कीजिए
रख दीजिए। ये हमने गूंदों में मसाला फिल कर दिया है। अब ये मसाला बचा है, इसमें हम ये केरी के पीसेस जो हमने कर कर रखे हैं ये मिक्स कर देंगे। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यह अचार बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, एकदम चटपटा, तीखा, खट्टा और सिंपल। खाने के साथ आप दाल सब्जी भी खा रहे हैं और थोड़ा सा अचार ले लेंगे तो आपके खाने का मज़ा दुगुना हो जाएगा। ये देखिए, केरी को हमने अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लिया है। अब इसके हम तीन हिस्से कर लेंगे। इस तरीके से हम इसे तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ये गूंदे हैं, इनके हम अंदाजे से दो हिस्से कर लेंगे। अब हम इसे जार में फिल करेंगे। जार में फिल करने के लिए हम इसमें लेयर्स में करेंगे। अब एक पोर्शन हम इसमें पहले नीचे केरी का डालेंगे इस तरीके से। अब इसमें हम ये आधे गूंदे डाल देंगे। अब फिर हम केरी की एक लेयर डालेंगे। इसके बाद फिर हम गूंदे डालेंगे। इसके ऊपर फिर से हम केरी की एक लेयर डालेंगे। ये हमने लेयर्स में केरी गूंदे और केरी डाल दी है। अब इसे हम बंद कर दो दिन के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसमें एक्स्ट्रा ऑयल डालेंगे। ये दो दिन हो गए हैं अचार को रखे हुए। अब हम देख लेते हैं। ये देखिए, थोड़ा नीचे बैठ भी गया है। हमने इसे बहुत दबा दबा कर ऊपर तक भरा था। अब इसमें हमने जो तेल बचा कर रखा था, जो गरम कर हमने ठंडा किया था, वह इसमें डाल देंगे। हम इस तरीके से डालेंगे कि तेल नीचे तक पहुंच जाए और इतना डालेंगे कि पूरा अचार तेल में डूब जाए। ऊपर तक तेल रहना चाहिए। अब इसे बंद कर हम 5-6 दिन के लिए रख देंगे। 5-6 दिन में हमारे गूंदे भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और अचार खाने के लिए एकदम तैयार हो जाएगा। ये 5-6 दिन हो गए हैं अचार को रखे हुए। अब हम देख लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया अचार हमारा तैयार हुआ है। अब मैं थोड़ा अचार आपको एक बाउल में निकाल कर दिखाती हूँ। यह अचार बहुत ही स्वादिष्ट है। आप इसे खाएंगे तो आपके खाने का स्वाद बढ़ जाएगा। खट्टा, चटपटा, तीखा, ये अचार बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, गूंदे भी थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए, देखते ही खाने का मन कर रहा है। इसका कलर भी कितना सुंदर आया है। और अब टाइम है ग्रीन डब्बा परफेक्शन टिप्स का। सबसे पहले तो आपको केरी और गूंदे को अच्छे से धोकर सुखा लेना है। एकदम सूख जाए उसके बाद आप इसका अचार बनाइए। गूंदे को पहले फोड़ लीजिए और एक चम्मच के पीछे की साइड को नमक में डिप कर उसकी गुठलियां निकालते जाइए। ऐसा करने से गूंदे का जो चिपचिपापन है लेस से वो कम हो जाएगा और गूंदे काले भी नहीं पड़ेंगे। तेल को गरम कर थोड़ा ठंडा कर लीजिए, फिर मसाले में मिक्स कीजिए। बहुत ज्यादा गरम तेल को हम मिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे और हमारे अचार का कलर और स्वाद दोनों बिगड़ जाएगा। कुनकुना तेल रहे तब आप मसाले में डालिए और इतना ही डालिए जिसमें मसाले थोड़े अच्छे से गीले हो जाएं। बाकी का तेल हम दो दिन बाद अचार में डालेंगे और इतना डालेंगे कि जिसमें अचार पूरा तेल में डूबा रहे। ऊपर तक हम उसमें तेल फिल कर देंगे। अचार यूज करते करते कई बार तेल कम हो जाता है, तो जब भी ऐसा हो कि तेल कम हो गया है, अचार बाहर दिख रहा है तेल से, तो आप तेल गर्म कर ठंडा कर उसमें ऐड कर दीजिए। हमेशा अचार तेल में डूबा होना चाहिए, उससे अचार का स्वाद भी नहीं बिगड़ेगा और रंग भी नहीं बिगड़ेगा। ऐसा का ऐसा अचार साल भर बना रहेगा। मसाला जब आप गूंदे में भर लेते हैं और बाकी के मसाले में केरी मिक्स कर लेते हैं और जब जार में इसे भरते हैं तो आप लेयर्स में इसे भरिए। पहले आपको केरी की लेयर लगाना है, फिर गूंदे की, फिर केरी की, फिर गूंदे की और फिर केरी की। ऐसे 5 लेयर्स में हम अचार डालेंगे क्योंकि केरी अच्छी खट्टी होती है और बीच बीच में गूंदे रहेंगे और आसपास केरी रहेगी तो गूंदे भी अच्छे खट्टे हो जाते हैं, स्वाद बढ़ जाता है और अचार खराब भी नहीं होता है। आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके गूंदे और केरी का अचार बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो दिल से लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, उससे आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।